इसका थैला किधर है? ए भिखारी, इसे अपना थैला भी ले जा। देख, क्या पता इसमें जहर मिला के लाया हो। अरे कल ही रोती रहेगी, घर का कुछ काम कर ले। अरे इसको तो बहुत दिन हो गए, इस वक्त तो पैसा भी बहुत हो गया होगा। अरे क्या बात हो गई, कैसे गिरता हुआ आ रहा है? बात तो बहुत बड़ी है। अरे बड़ी बात कहने से पहले होश में तो आता। मैं तो होश में हूं, पर तुम भी होश में आकर सुन लो। अभी मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, जब तेरा नशा उतर जाए जब आकर बात करना, चल जा यहां से। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी तुझे बुड्ढे। अच्छा तो तू बता क्या कहना चाह रहा है? मुझे बंटवारा चाहिए अभी। बंटवारा? कौन सा बंटवारा? पूरी जायदाद का। कौन सी जायदाद का बंटवारा? जो हमारा बाबा तुम्हें छोड़ के गया था। अरे रहन दे बंटवारे को, पहले उसे ही संभाल ले जो तुझे दहेज में मिला था। उसके बारे में सोच मत लेना, वो मेरा है, मेरा बंटवारा होगा इस जायदाद का अभी होगा। तुझे ना मिलने की एक फूटी कौड़ी भी, तू जा और जाकर खेल। खेल तो मैं ऐसा खेलूंगा बुड्ढे कि देखता रह जाएगा। जा खेल लिए खेल, निकल यहां से। ठीक है। गीता उदास क्यों बैठी हो? आज पिताजी ने फिर कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं पिताजी तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है कितने अच्छे हैं। बात क्या हुई मुझे बता। ऐसी कोई बात नहीं है, आप हाथ में धोलो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। गीता क्या बात है तू मुझे बता। आज पिताजी घर आए थे। बस बस अब मैं समझ गया, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? नहीं तुम मत जाओ। अब बात बहुत बढ़ चुकी है, मुझ पे सहन नहीं होती। अरे रुको मेरी बात तो सुनो। पिताजी, ओ पिताजी। अरे क्या बात है, तू भी नशे में है क्या? पिताजी नशे में मैं नहीं, नशे में हो तुम। तुम्हें पैसे के लालच में कुछ दिखाई नहीं देता कौन अपना रिश्तेदार है और कौन नहीं। रिश्तेदार? वो तो मेरे घर के नौकर बनने लायक भी नहीं है। वो तुम्हारी बहू के पिताजी थे, पिताजी समधी थे वो तुम्हारे। समधी? सुगर मना, इसे भी मैंने उसके साथ धक्के मार कर नहीं निकाला। क्या कह रहे हो, धक्का मार कर नहीं निकाला? तुम इन गरीबों को धक्का दे रहे हो ना। जिस दिन भगवान ने तुम्हें धक्का दे दिया ना, उस दिन से धक्का खाते फिरोगे। तू कुछ भी कर ले इनके लिए, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। मैं तुझसे कहता हूँ चल यहां से। देख लिया, तेरी सेवा का इन पत्थरों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं फिर कहता हूँ चल यहाँ से। अरे नहीं, हम इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते। मैं मानती हूँ पिताजी गुस्से वाले हैं, लेकिन वो मन के बहुत साफ हैं। हाँ हाँ बहुत साफ हैं, पछताएगी तू। आप ये कैसी बातें कर रहे हो, जरा सोचिए। अतर भाई साहब 24 घंटे दारू के नशे में रहते हैं और पिताजी भी बूढ़े हो चुके हैं, फिर पिताजी को कौन देखेगा। हमें अतर भाई साहब को समझाना चाहिए और घर को भी संभालना है। भगवान ने तेरे जैसी और दूसरी ना बनाई, रोज पिट रही है तब भी तुझे इस घर की चिंता लगी है। मन तो करता है तुझे सैल्यूट करूं। अरे बस भी करो।
बेटा ये तुमने हमें बात बताई इससे हम बहुत खुश हैं। माना कि सुमन को हमने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, तो ये थोड़ा ही है कि वो गलत करे और हम उसका साथ दें। क्षेत्र में कहीं पूछ लो, नरेश सही का साथ देता है गलत का नहीं। हमारी गर्दन कट सकती है लेकिन हम गलत का साथ नहीं देंगे। मुझे पता है मौसा जी, मैं तभी तो आपके पास आया हूँ। हमारे घर को बर्बाद होने से बस आप ही रोक सकते हो। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं एक दो दिन में तुम्हारे घर आ जाऊँगा। ठीक है मौसा जी, आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अरे बेटा इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तो रिश्तेदार का फर्ज है। एक दूसरे पर परेशानी आए तो उसमें एक दूसरे का साथ देना कर्तव्य बनता है। बहुत अच्छे विचार हैं मौसा जी आपके, मुझे आज्ञा दो अब मैं चलता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी बात का ध्यान रखना। पूरा ध्यान रखा जाएगा बेटा आपकी बात का, आप चिंता ना करें। अच्छा तो मैं चलता हूँ मौसा जी। राम राम। अच्छा राम। ठीक है आइए ज़रूर। चौबीस राम राम। अजी राम राम साहब। राम राम। आइए बैठो। बड़े सौभाग्य है हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। अजी नहीं, सौभाग्य तो हमारा है जो आपके दर्शन हुए। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम ही क्या इतने बड़े हैं। और सुनाओ कैसे आना हुआ। अजी सुनाना क्या है, एक मामले में सलाह सी लेनी थी। हाँ सुनाए जी, क्या सलाह लेनी, हमारी समझ में आएगी तो जरूर बताएंगे। जी अतर तो दारू नहीं छोड़ता और इनके साथ रह के हमारी बेटी भी ऐसी हो गई, और जो कुछ मेरे पास है वो सब इन्हीं का है। बिल्कुल जी सही कह रहे हो, इसमें क्या शक है। मैं सोच रहा था ये दोनों तो दारू पी रहे हैं और जो मेरी प्रॉपर्टी है उसे दारू पी के बर्बाद कर देंगे, तो क्यों ना मैं अपनी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दूं। अरे जमीन जायदाद भी कोई दान देने की चीज़ है। अरे दान देना है तो 1500 रुपये दे दो। नहीं चौधरी, इन बालकों के रंग ढंग देख के ना ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे जी में आई कि मैं आपके भी कान में डाल दूं। मैं तो आपको बताने आया था, कल को आप ये ना कहो कि मेरे कान में ना डाली। अरे अतर, ओ अतर, अरे कहाँ है बाहर आ? आया पिताजी। तू भीतर पड़ा है और है नाश हो गया। क्या हुआ पिताजी? अच्छा पिताजी तो ये बात है, मैं अभी बात करके देखता हूं। क्या कह रहे थे बेटा वो? वो कह रहे थे कि सुरेश आए थे, वो बता कर गए सारी बात और जरूर इसी ने भेजा होगा। चल बेटा आज इसी को देखते हैं। जी पिताजी। गीता, ओ गीता बाहर निकल। जी पिताजी। पिताजी की बच्ची तू ये बता, तूने सुरेश को सुमन का घर क्यों भेजा? नहीं पिताजी मैंने नहीं भेजा। अच्छा ज्यादा भोली बन रही है, तूने नहीं भेजा तो उसे किसने भेजा? पिताजी मुझे किसी ने नहीं भेजा और ना ही मैं किसी के कहने पे गया। जब तू किसी के कहने से नहीं गया तो भाग क्यों गया था? पिताजी मैं इसलिए गया था वहां पर क्योंकि अतर बर्बादी की राह पर चल रहा है, इसे रोकना है हमें। तू वहां मुझे रोकने के लिए नहीं गया था, मैं जानता हूं तू मेरी दौलत से जलता है। तू जानता है मैं तेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूं और ये घर का नाश कराएगी नाश। तू और तेरी ये घरवाली दोनों मेरे घर से अभी निकल जाओ, दोबारा कभी मुंह मत दिखाना। हाँ मुझे भी कोई जरूरत नहीं है आपको मुंह दिखाने की, अगर ये ना रोकती तो मैं कब का इस घर को छोड़ के चला जाता। तेरी समझदारी और भोलेपन की यहां कोई कीमत नहीं है, चल चलते हैं यहां से। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा यार।
हरिओम पर कॉल लगा के देखता हूँ। हाँ भाई सुरेश। हाँ भाई हरिओम। क्या हो गया सुरेश? घर में लड़ाई हो रही है यार। वो तो मुझे सब पता है, अब क्या नई बात हो गई? पिताजी ने दिमाग खराब कर दिया यार। यार बहुत परेशान हूँ। मैंने तेरे लिए 50 बीघे जमीन देख रखी है, यहीं रह, यहीं कर, यहीं खा, मौज में रह, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। अरे अतर, अरे चाय फाय बनाइए बेटो ना। पिताजी मुझे नहीं है टाइम, अपने आप बना लो चाय। तुम्हारे घाट टूट गए हैं, मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ चल दिए सुबह ही सुबह? इसकी सहेली का जन्मदिन है, वहाँ जाना है अभी। जन्मदिन तो शाम को होता है, फिर तुम सुबह सुबह क्यों चल दिए? टाइम टू टाइम जाएंगे क्या? खाली आप थोड़ी चले जाएंगे, रास्ते में शॉपिंग भी तो करनी है। अरे बहू, अपनी गाड़ी से ही तो जाओगे, चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? कहाँ की तुम्हारी ट्रेन छूट रही है? मेरे से इस तरीके की बात करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, अब यहीं खड़े रहोगे, चलते हैं। अरे क्या बात हो गई? मैंने तुमसे कितनी बार बंटवारा करने की कह दी, लेकिन तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई, काय का बंटवारा और कैसा बंटवारा? अब तो सुरेश भी घर छोड़कर चला गया। कल कोई वो आ गया तो तुम तो मेरा हिस्सा भी उसे ही दे दोगे। अरे वो ऐसा नहीं है, वो तो अपना हिस्सा भी तुझे दे देगा। चलने दे इस घर को जैसे भी चल रहा है। इस घर का तो नाश होकर रहेगा जब तक बंटवारा नहीं होगा तो। और मैंने तुमसे 10 बार कह ली, तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अरे तू कहीं का राजा है क्या? शरीर तेरा कांपता है, फेफड़े तेरे खराब हो गए, और तू मेरी जायदाद को और पी जाएगा दारू में? मैं ना देने का तुझे एक भी फूटी कौड़ी। मैं आज हिस्सा लेके रहूंगा। मैं देता हूं अभी तुझे हिस्सा। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। हाँ जा, देख लूंगा तेरी टेढ़ी उंगली भी। क्या हुआ, आप कैसे परेशान हो? यार पता नहीं पिताजी कैसे होंगे। मुझे भी इनकी बहुत चिंता हो रही है, पर कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप खाना खा लो। बुड्ढे, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख तो बहुत दूर, मैं ना दूं तुझे फूटी कौड़ी भी, नालायक। बुड्ढे नहीं देगा तो निकल यहां से।
ये देखो पिताजी कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? गीता बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया जो मैंने तुझे घर से निकाल दिया। नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, चलो घर चलते हैं। अरे पिताजी राम राम। राम राम। बैठ पिताजी। क्यों बेटा सर चौधरी साहब दिखाई नहीं दे रहे? पिताजी वो तो अपने बड़े बेटे के पास चले गए। अरे तुमने उन्हें रोका तक नहीं? चलो मुझे उनके पास ले चलो और आओ सुमन को भी लेके आओ। आओ रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पिताजी मुझे माफ कर, पिताजी मुझे माफ कर दो। मैं तो ऐसी औलाद को फूटी कौड़ी देना नहीं चाहता जो अपने बाप और अपने भाई और भाभी की इज्जत करना नहीं जानते। मैंने वसीयत लिख दी है कि मेरी बेटी सुमन अपने ससुर और भाई भाभी की इज्जत करेगी तो इसको दी जाए ना मेरी गरीबों में बांट दी जाए। मौसा जी मुझे आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी कह रही हूँ, वो आपकी बेटी है अच्छी सही चाहे बुरी सही, लेकिन आपको उनका उनसे हक नहीं छीनना चाहिए। बेटा ना तो इनका कोई हक छीना है और ना ही कोई वसीयत लिखाई है, मैं तो इन मूर्खों को केवल सुधारने के लिए ये सब कर रहा था। अब ये को अपने परिवार के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू मौसा जी। देवी जैसी भाभी और देवता जैसा भाई और भगवान जैसे पिता, इन पर मैंने बहुत दुख और अत्याचार किए पिताजी, मुझे माफ करो। मेरे भाई सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अपने तो अपने होते हैं। मेरे बेटो मैं चाहता हूँ दोनों भाई मिलकर अब घर को आगे बढ़ाओ। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा चैनल है क्रेजी सुरेश राणा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।